रायबरेली में नगर निकाय चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में रायबरेली पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि उनके समय से विकास हुआ नहीं, इसलिए नहीं दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने नगर से लेकर गांव तक विकास किया है। उन्होंने प्रत्याशी चयन पर भी अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अखिलेश जी अपना कुनबा संभाले, हम प्रत्याशियों के चयन कार्यकर्ता स्तर तक करते हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने भाजपा पर आरोप लगाया था कि स्मार्ट सिटी की बात करने वाली भाजपा के राज में नालियां तक टूट रही हैं। अध्यक्ष जी, आज बैठक हुई है, क्या था बैठक में, क्या निष्कर्ष? नगर निकाय चुनाव है और दो चरणों में चुनाव होने हैं नगर निकायों के। प्रथम चरण का मतदान 4 मई को होना है, दूसरे चरण का मतदान 11 मई को। भारतीय जनता पार्टी ने सभी नगर निकायों में अपने प्रत्याशी घोषित करके हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 17 नगर निगम हैं, 199 नगर पालिकाएँ हैं और 544 नगर पंचायत हैं। हम लोग पूरी तैयारी के साथ अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत, संपर्क और सक्रियता के आधार पर और हमने जो काम किए हैं हमारी सरकार उन्होंने नगर निकायों के माध्यम से अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में है और मुझे विश्वास है कि नगर निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद और स्नेह जनता का मिलेगा और हम रायबरेली जिले की नगर पालिका रायबरेली सहित सभी 9 नगर पंचायतों को निश्चित रूप से जीते। क्या लग रहा है रायबरेली की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, अगर पिछले अगर नगर निकाय की बात की जाए तो कांग्रेस के पाले में नगर पालिका अध्यक्ष की सीट थी, इस बार क्या लग रहा है, किस तरह समीकरण तैयार किए गए हैं? नहीं, हम लोग तैयारी है हमारी, हम लोग संगठन के अपने कार्यकर्ताओं को काम का विभाजन करके, हमारा कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है और हमने सभी बूथों पर प्रबंधन के लिए अपने कार्यकर्ताओं को नीचे तक काम दिया और उस काम के आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि नगर पंचायती भी या नगर पालिका भी भाजपा जीतेगी। बैठक में क्या निर्देश दिए गए, फोटो तक जाने तक के और जो प्रचार रह गया है? अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से आपका नारा था कि घर घर, मतलब कम से कम आपका कार्यकर्ता पहुँचे और सरकार की योजनाएं बताएं, तो उसमें अभी कितना क्या पहुंच चुकी है, क्या है पूरा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने कार्यक्रम, हमारे अभियान, हमारे संगठनात्मक विषय, सेवा के काम, रचनात्मक काम लगातार 365 दिन 12 महीने भाजपा के कार्यकर्ता जनता के बीच में रहते हैं। चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हों, माननीय मुख्यमंत्री जी हों, हमारी सरकार के मंत्री हों, हमारे सभी माननीय सांसद विधायक हों, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, कनिष्ठ पदाधिकारी, सारे लोग लगातार अलग अलग कार्यक्रमों के, अभियानों के माध्यम से जनता के, लगातार हमारी जनता के बीच में उपस्थिति है। और आपने देखा पिछले सप्ताह भी एक सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में हमने एक कार्यक्रम बनाया, उससे पहले सितंबर माह में पखवाड़ा पूरा देश के प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेकर और महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती तक पूरा, उसमें हमारे संगठनात्मक काम भी थे, सेवा के काम भी थे, रचनात्मक काम भी थे। तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमेशा लगातार अपने कार्यक्रम और अभियानों के माध्यम से जनता के बीच में है। अब चुनाव है तो चुनाव में भी हम लोगों ने नीचे सभी बूथों पर पन्ना प्रमुख तक की हमने नियुक्ति की है और उनके माध्यम से हम जन जागरण करेंगे, जनता के बीच में अपनी पार्टी के, अपने प्रत्याशी के लिए मतदान भाजपा के पक्ष में करने की अपील करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि स्मार्ट सिटी बन नहीं पा रही, नालियां टूटी हुई है, अयोध्या में भ्रष्टाचार की उंगली उठ रही है, शाहजहांपुर में प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, ये इतने सारे आरोप को लगा रहे हैं। अखिलेश जी कन्फ्यूज है और विकास के काम उन्हें दिखाई देंगे भी नहीं, क्योंकि उनके समय विकास हुआ नहीं। उन्होंने उनके एजेंडे में अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार रहे हैं और मैं निश्चित रूप से संकल्प के साथ इस विषय को कह सकता हूं कि हमारी सरकारों ने, चाहे नगरीय क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, आम आदमी के साथ बगैर किसी भेदभाव के हमने उन योजनाओं का आम जनता को लाभ पहुँचाने का हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने किया। जहाँ तक प्रत्याशी चयन का मामला है।